हाय फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉफ़ी फेस मास्क। कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आपकी स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा अनइवन है और आपकी स्किन टैंड हो गई है, तो इस फेस मास्क का यूज़ करने से ये आपकी स्किन टोन को इवन और कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो चलिए जल्दी से वीडियो में देख लेते हैं कि इस मास्क को कैसे बनाना है। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, जिससे जो मेरी न्यू वीडियोज़ है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो करें इसको लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। सो लेट्स चेक द वीडियो। फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफ़ी, नेक्स्ट हम लेंगे बेसन एंड लास्ट हम लेंगे दही। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हाफ टेबल स्पून हम कॉफ़ी पाउडर, और फिर इसमें हम हाफ टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर लेंगे, और लास्ट में हमें ऐड करना है कर्ड। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेसन के जो लम्स है इसमें रह जाते हैं, तो फेस पैक अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो ध्यान रहे, अच्छे से हमें इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो है इस पैक को अप्लाई करने की। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। कोई भी पैक लगाने से पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो पैक के अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमारे स्किन को मिल सकें। इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी, चाहे तो आप ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने ऐड किया था कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि फाइट करता है प्री मैच्योर स्किन एजिंग से, जो कि हीट, लाइट पॉल्यूशन और डैमेजिंग की वजह से हो जाती है। और साथ में ये रिमूव करता है हमारी स्किन से डर्ट और डेड स्किन सेल्स को भी, और हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें हमने ऐड किया था बेसन। बेसन में जिंक पाया जाता है, जो एक्ने की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी फाइट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, और रिमूव करता है हमारी स्किन से टैनिंग को, डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और हमारी स्किन से ऑयलीनेस को भी रिड्यूस करता है, हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन को क्लींस करने में भी हमारी हेल्प करता है। और फिर इसमें हमने ऐड किया था कर्ड। कर्ड फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है। ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है, और हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। हमारी स्किन से टैनिंग को भी लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये साथ में पिगमेंटेशन को भी फेड करता है। उसके बाद ये डार्क स्पॉट्स जो हमारी स्किन पर हो जाते हैं और एक्ने के मार्क्स हो जाते हैं, उसको भी रिमूव करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसको सभी स्किन टाइप वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए यूज़फुल है। और इसको आपको वीक में 3 times यूज़ करना है अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, और इसके बाद सूखने तक इसको अप्लाई करना है, यानी 15 से 20 मिनट तक। इसके बाद मैं इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। और जब ये पैक सूख जाए 15 से 20 मिनट के बाद, तो इसको ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो करें इसको लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी, और इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।